थोड़ा परिचय करो अपना। मेरा नाम प्रमोद, मैं गुड़गांव रहने वाला हूं सर। सर मैं अग्निवीर में 2021 में सर मैंने फिजिकल मेडिकल क्लियर किया, मेरी भर्ती कैंसिल कर दी गई। पोस्टपोन्ड होने के बाद अग्निवीर के चलते मेरी भर्ती कैंसिल कर दी। सर मैंने 6 महीने गार्ड की नौकरी की है। मेरे पापा कहाँ पे, कहाँ पे गार्ड की नौकरी की? प्राइवेट में। हाँ जी सर। आप आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? बचपन से सपना था सर। अच्छा, देश की रक्षा करने का। मैं फाइनल रूप से सिलेक्शन हो गया था मेरा, बट सरकार की गलत नीतियों की वजह से 2 साल पेंडिंग में रखा और फिर कैंसिल कर दिया। अब क्या कर रहे हो? जोमेटो में जॉब करता हूँ। जोमेटो? हाँ, मुश्किल से 5,000 महीना आ पाता है। जैसे आपको पता लगा, आपने क्या सोचा? ये कैंसिल करने के बाद बहुत से मेरे साथियों ने, हमारे साथियों ने आत्महत्याएं कर ली सर। और आपको ये भी कहा गया कि अगर आप आंदोलन करोगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती? हाँ हाँ, मुकदमे लग रहे हैं। बोला अभी भी आप पर पर्चा डाल देंगे और आप किसी लायक नहीं रह जाओगे, आगे करियर बर्बाद कर दिया, आपका करियर बर्बाद कर देंगे। हमें ऐसे डराते थे, धमकाते थे। पहले हमारे गाँव से कम ऐसी 20-25 बंदे थे जो हम तैयारी करते। अब गाँव में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो वो फिलहाल फौज की तैयारी करता है। सारे ग्राउंड खाली पड़े सर। पुलिस ने हमें इतना पीटा और पीटने के बाद मीडिया के सामने जब गए हम, तो हमें धक्के से कहा गया कि आपने ये नहीं बोलना बाहर कि आपको क्या, हमने क्या नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। हाँ जी, हमने आपको पीटा है सर। मेरे एक भाई है, वो फौज में आया अग्निवीर में, वो भर्ती हो गया। उसकी बहन की शादी थी सर, उसको छुट्टी नहीं दी गई। तो नॉर्मल जवान को कितनी छुट्टी मिलती है? नॉर्मली जो महीने अग्निवीर को 1 महीना, आर्मी अग्निवीर में सर 1 महीना है सर। ट्रेनिंग करके आता फिलहाल में, जैसे ट्रेनिंग पे तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी इसको। वो कह रहे कि भाई हम तो गलती कर गए, आप गलती मत करना अग्निवीर में आने की। मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो सरकार संविदा ला रही है छोटी नौकरियों में ही ला रही है। सेना में भी लाया तो जो जीडी वाले उनके पास लाया, कोई कर्नल 4 साल के नहीं आएगा। जिन्होंने योजना बनाई कि हमें एक जवान फौज बनानी है, वो 60 साल नौकरी करेंगे और गरीब किसान मजदूर के बच्चे 4 साल। आप देखना, जब अग्निवीर में 3 लोगों को निकालेंगे ना, वो सब गरीब निकलेंगे और जो एक बचेगा वो अमीर घर का बैठा रहेगा वहाँ पे। हमारे एक नौजवान है सर, आपको उसकी दुखद घड़ी में बताना चाहता हूँ। वो पुणे सेंटर में TB2 में ट्रेनिंग करके आया। अभी 8 महीने अग्निवीर में वहाँ पे व्यतीत किए। वहाँ पे ऑफिसर ने, सीओ ने और CHM ने उसके रोड मारी और इसकी एल्बो तोड़ दी सर। क्योंकि वो ट्रेनिंग के दौरान लाइन पे उन्हें फिसल मारी, वो नीचे आ गया, उनकी सर एल्बो तोड़ दी गई। आप उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। वो जो आप कह रहे हो वही है कि ये चाहते हैं कि जो दलित हैं, OBC हैं, आदिवासी हैं, गरीब मतलब आगे ना बढ़ो। यस सर, यही है प्लानिंग। अरे हमारा 7-8 का मैटर नहीं है। 1.5 लाख युवा ग्रसित है इससे। कितने लोगों ने मतलब फांसी लगाई? 60 से 70 लोग। जैसे एक मेरे ग्राउंड का ही लड़का था, जिस ग्राउंड में दौड़ते थे वहीं उसने फांसी लगा ली सर। पर मीडिया में है ना, उसका एक इतना सब चिट नहीं आने दिया। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अग्निवीर योजना को हम कैंसिल कर दें। जो हमारे भाई सेना में जाना चाहेंगे, उनका आर्मी में बनने का सपना आपके होते हुए साकार होगा, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल जी का टेम्पो जो है बदाने वाला है, हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला।